दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं AICE की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आर्थिक सामाजिक समावेशित सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों जुरी जो है वो शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने पुंछ लिंक अप डे मनाया, इसका सही आंसर है दोस्तों 23 नवंबर को मनाया। हाल ही में किस मुक्केबाज ने प्रोफेशनल मुक्केबाजी में लगातार 12वीं जीत दर्ज की है? दोस्तों ये ब्रजेंद्र सिंह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने थर्ड जेंडर का विकल्प प्रवेश फॉर्म में शामिल किया है? कलकत्ता विश्वविद्यालय पहला इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 साल में पहली बार किस भारतीय ने घुड़सवारी में ओलंपिक कोटा हासिल किया है? दोस्तों फवाद मिर्जान है, नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट PM किसान योजना के तहत कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है? दोस्तों 7 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया गया और सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने भारत को कौन सी तोप देने का फैसला किया है? तो दोस्तों जो तोप अपन को मिलेगी वो है MK-45। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हीरो लीग का 13वां संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया है? दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नवंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर होंगे? दोस्तों भारत की यात्रा पर, दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए नए साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में दोस्तों। हाल ही में डेस्टिनेशन ईस्ट महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? दोस्तों इसका उद्घाटन जो है वो वाराणसी में किया गया था।